नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख रहे हैं चक्रव्यू। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा जो है वो सातवें आसमान पर है। उठा पटक की राजनीति चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है। क्या बसपा, क्या बीजेपी, क्या सपा और क्या कांग्रेस और क्या सुभाषपा और क्या शिवपाल यादव की पार्टी, चारों तरफ सियासी माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही है। जो बयान है वो भी रोजाना सामने आते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये राजनेता अपनी भाषा को मर्यादित नहीं रख पाते। पहले तो अपने ही सहयोगी पर लांछन लगाते हैं, फिर उसके बाद किसी और के साथ गठबंधन करने की बात करते हैं। साथ ही साथ शर्त भी रखते हैं कि अगर आप ये शर्तें मानेंगे तो हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। चुनाव ना हुआ जैसा कि कोई खेल हो गया। ये सारी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से फिलहाल सामने आ रही है। मैं बात कर रही हूं ओम प्रकाश राजभर की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो सिर्फ बीजेपी के हाथ की कठपुतली हैं। वो ये कहते हैं और यहां नहीं रुके, वो इससे आगे भी बढ़ते चले गए, आगे बढ़े और कहा कि उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, उसमें उप का मतलब है चुप, यानी कि चुप्पी साधे रहो, आपको बोलने का हक नहीं है, आप कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं और गलत नीतियों पर साथ दे रहे हैं, उससे वो बेहद आहत हैं। तो ऐसे में अगर वो कुछ बोलते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ तो उनकी जुबान काट दी जाएगी। ये हद हो जाती है शब्द की, जो एक गरिमा होती है वो कहीं ना कहीं ये राजनेता भूलते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस का जो सियासी पारा है वो भी बहुत हाई है, क्योंकि मुद्दे लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर का हो, चाहे वो ललितपुर का हो, चाहे वो हाथरस का हो, चाहे वो नाव का हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस को लगातार मिल रहे हैं। और एक भी मुद्दा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कांग्रेस नहीं छोड़ रही है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दशकों से कांग्रेस ने जीत का स्वाद उत्तर प्रदेश में नहीं चखा है, तो इस वजह से हर एक मौका आजमाने की कोशिश प्रियंका गांधी लगातार कर रही हैं, क्योंकि पहले से ही कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के ऐसे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। तो ऐसे में उन्हें हाथों हाथ जनता ले लेगी और हाथों हाथ जनता जिता भी देगी। बस उसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ट्विटर से लेकर सड़क तक संग्राम यहां पर छिड़ा हुआ है और संग्राम में प्रियंका गांधी उतर पड़ी हैं मैनिफेस्टो के साथ, घोषणा पत्र के साथ। घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे, लेकिन कितने पूरे होंगे ये भी जनता जानती है, कितने पूरे हो सकते हैं ये भी जनता जानती है, क्योंकि जनता अब पूरी तरह से समझ चुकी है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है, कौन हित में नहीं कर रहा है। अब जो कांग्रेस मुस्लिम को अपना कोर वोट बैंक मानती थी वो कहीं ना कहीं पीछे हट चुके हैं, क्योंकि बाबरी विध्वंस हुआ और जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, वो नाराज हो गए कांग्रेस से और तब से ही कांग्रेस की मट्टी पलीत हो गई है उत्तर प्रदेश में और उससे उभर पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन पता नहीं कौन सी जादुई छड़ी प्रियंका गांधी लेकर आई हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आ गई हैं, अब तो हमारी जीत तय है। उनके पास शायद हो सकता है कोई जादू की छड़ी हो। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अखिलेश यादव को, जिनकी साइकिल कभी पंचर हो जाती है तो कभी फिर तेज मोटरसाइकिल से भी दौड़ने लग जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आजकल सामने आ रही हैं, क्योंकि जयंत चौधरी से मुलाकात हो गई है, गठबंधन की बात तय हो गई है, लेकिन एक और तस्वीर सामने आई है प्रियंका गांधी की और जयंत चौधरी की। आराम से दोनों चाट खाते हुए, चर्चा करते हुए नजर आए हैं। तब ऐसे कयास लगाए गए कि हो सकता है कि कांग्रेस और जयंत चौधरी गठबंधन कर ले, लेकिन वहां भी कोई साफ स्थिति देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन ये तो तय है कि भले ही हम ये कहेंगे कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, हम अपने पार्टी में किसी को आने नहीं देंगे या जाएंगे नहीं, जब बात आती है जीत की और जब बात आती है बीजेपी को हराने की तो ऐसा होता है। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि मुस्लिमों और बीजेपी जो है वो दुश्मन रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो बीजेपी पर भरोसा नहीं करते या वोट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी पर भरोसा करने लगे हैं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर
ये शब्द मर्यादित क्यों नहीं रहते राजनेताओं के? और ये जो दल बदल का खेल है वो आखिर कब तक रहेगा? क्या सिर्फ जनता को ये आजमाने की कोशिश करते हैं कि जनता आखिर क्या चाहती है? तो आज हम चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा प्रवक्ता हैं बीजेपी के, दयाराम भार्गव प्रवक्ता हैं भाजपा के, और अरविंद कटारिया हैं नेता हैं सपा के, ये सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कांग्रेस नेता देवेंद्र कुमार वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मैं लूंगी यहाँ पर गौरव मिश्रा जी से, क्योंकि सत्ता में वही है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है। देखिए गौरव जी, आपने बहुत काम किए, इन 5 साल पूरे होने वाले हैं, बहुत आपने काम किए, बहुत चर्चाएं आप कर रहे हैं, बहुत बयान आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके साथ रहे, आपके पहले मित्र हुआ करते थे, लेकिन अब पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपनी पार्टी में अगर रहते हुए बोलते हैं तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। क्या आपकी पार्टी में रहकर सही का साथ देना गलत है, या सही के लिए आवाज नहीं कोई उठा सकता? नहीं, इसका सर्टिफिकेट देने वाले कौन है? वो अपने पार्टी में आवाज़ों का जीव काटते होंगे। उस संस्कार और परंपरा से वो आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी संस्था है जो विचारों के आधार पर राष्ट्र निर्माण अपना मूल मान करके अपनी सेवाएं देती है, चाहे वो बूथ के स्तर पे काम करने वाला कोई पदाधिकारी। देखिए ओम प्रकाश जी अपने बिगड़ैल बोल के लिए जाने जाते हैं, यद्यपि वो बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने अपने समाज को जागृत किया है और बहुत काम किया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है आपने किसी एक समाज को जागृत किया और उनके वोट बैंक को इकट्ठा किया और फिर उस वोट बैंक के बार्गेनिंग की राजनीति आप शुरू कर दिए लोकतंत्र में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं पटा? उसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि जो सत्ता को मलाई समझते थे, जो सत्ता को ऐश्वर्य का साधन मानते थे, जो सत्ता को लूट का एक जरिया मानते थे, वो चीज भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही सरकारों के साथ नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। हाँ, राष्ट्र के निर्माण को ध्यान में रख करके जो अपनी आहुति देगा वो निश्चित रूप से वो नहीं, हमारे यहाँ तो सबका साथ और सबका विकास का नारा है। आपने सपा का इतना बड़ा चेहरा जो है वो गौरव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए गौरव जी तक मेरा संपर्क नहीं हो, गौरव जी आवाज मिल पा रही है मेरी? आपकी आवाज मिल रही है, बहुत इको हो रही है। ठीक है, ये टेक्निकल इशू है, इसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दयाराम जी, आखिर कब तक ओम प्रकाश राजभर पहले ओबीसी के बयानों पर और ओबीसी पर पीछे से वार करेंगे, ओबीसी पर वार करेंगे, फिर बीजेपी से बात करेंगे, लेकिन हाथ तो हम थामेंगे साइकिल पर हम तो सवार होंगे, आखिर कब तक? भार्गव साहब आवाज आ रही है मेरी? बोलिएगा, आवाज आप बंद कर रखे हैं। भार्गव जी, अब आप मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। भार्गव साहब, आखिर कब तक ऐसे, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी बीजेपी के साथ, कभी ओबीसी के साथ आने का वादा, और आखिर साइकिल पे सवार हो गए? आज मुद्दा इस दल का नहीं है, उस दल का नहीं है। मुद्दा किसका है फिर? आज मुद्दा मैं बता रहा हूँ, सुनिए भाई, देखिए सुनिएगा, आज हम जो कहना चाह रहे हैं इसको बताइए समाज को। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया उत्तर प्रदेश में? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। अरे मैं तो सवाल कर लूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना पहले। ओम प्रकाश राजभर क्या बोल जाते हैं उन्हें पता भी रहता है? अरे इनका विधायक जो है वो नेता होने का मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी बोल दो। अरे भाई, बयान विरोध भारतीय जनता पार्टी में भरे हैं। ये लोग कहते हैं कि भैंसा, आप बताइए इंसान भैंसा होता है क्या? इस पर कभी चर्चा आपने किया? इस पर बहुत चर्चा हुई है। भार्गव साहब, आपको लिंक भेज दूंगी, सुन लीजिएगा। चलिए अब आप अपने बारे में बताइए।
इस तरह की भाषा क्या सही है? एक नेता होने के नाते जबान काट देंगे आप उप मुख्यमंत्री के बारे में, कम से कम उनके पद की गरिमा तो रखिए। आप ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर को ये लोग भैंसा बोल सकते हैं, तो अगर उन्होंने जबान काटने की बात कर दी तो क्या गलत है? नहीं, अगर आपको नहीं तो आप जबान काट देंगे, तो आप जबान काट देंगे, नहीं आप उसे भैंसा बोल देंगे, आप बताइए। अरे इस पर तो चर्चा हो चुकी है ना, बहुत पुराना बयान है। अरे ये भी पुराना बयान, कितनी बार चर्चा करेंगे? तो आप सीधे पत्थर से वार करेंगे भागवत साहब? बिल्कुल लठ मारेंगे। नहीं, आज इतनी बड़ी दुश्मनी, आज इतनी बड़ी दुश्मनी, और दो साल पहले, तीन साल पहले बहुत ज्यादा दोस्ती, इतनी दुश्मनी क्यों? देखिए, या तो आप बोल लीजिए, बोलने तो होगा ही नहीं। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है भार्गव साहब। तो कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस, सुभासपा, प्रसपा, सपा, बसपा पूरी तरह से तैयार है और पूरा राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि समय कम है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुत बड़े दावे किए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रखा हुआ है। वो घोषणा पत्र में क्या क्या बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने यह कहा कि टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी रहेगी, छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी मिलेगी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। सीधे तौर पर महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है यहां पर। तो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। ये तमाम बातें जो है मैनिफेस्टो में दिखाई दी, सुनाई दी, लेकिन इस पर कितना अमल होगा ये देखना होगा। 100% मां वृद्धा पेंशन जो है वो मिलेगी, विधवा और वृद्धा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 प्रति माह वो मानदेय जो है वो दिया जाएगा। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खुलेंगे, तो ये मैनिफेस्टो में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी का भी पूरी तरह से प्लान तैयार है मुसलमानों को लेकर, क्योंकि लगातार हर एक इंसान ये आवाज उठा रहा है और ये पूछ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों को दरकिनार क्यों कर रही है। जिस तरह से 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले बड़ी घोषणा की गई थी, उसके बाद बहुत बड़ी घोषणा की गई है मुसलमानों को लेकर, सबसे बड़ा 3 तलाक, लेकिन अब जो है मुसलमानों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी का एक प्लान सामने आया है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करेंगे। दयाराम भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र कुमार पंकज जी भी बने हुए हैं, अरविंद कटारिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा नेता है गौरव मिश्रा भी बने हुए हैं। गौरव मिश्रा जी ने सवाल कर लिया, दयाराम भार्गव जी के पास ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी, तो अरविंद कटारिया जी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा के नेता है, उनके पास हम जाएंगे। अरविंद जी, सपा और जो रालोद है उसका गठबंधन पूरी तरह से कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जयंत चौधरी से मुलाकात और उसके बाद ये तय हो गया है कि अब गठबंधन पूरा होगा, यानी कि जाटों को भी साथ देंगे, यादवों को भी साथ देंगे, मुसलमानों को भी साथ देंगे, बाकी कहां गए? समाज का सपना देखती है, समाजवादी पार्टी में सभी धर्म, सभी समुदाय और सभी जातियों का सम्मान होता है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है लगातार समाजवादी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया है, क्योंकि हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके राजनीतिक शिष्य रहे हैं, और उन्होंने एक सपना देखा था कि हम इस देश के समाजवादी साथियों को और समान विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने का देखा था, किसानों के हित में बात करने का देखा था, राजनीति करने का सपना तो नहीं देखा था। जी, आपकी इको डबल आ रही है, आप जरा उसमें सुधार करें। तो ये कंफर्म हो चुका है कि आरएमडी के साथ जी, जी, और समाजवादी तय कर। अरविंद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आवाज आ रही क्या? हेलो,
अरविंद जी हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है अरविंद जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। अच्छा आपकी जी, हम यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और जयंत चौधरी की लगभग बातें हो चुकी हैं और दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने तो यहाँ तक कहा है कि वो मतलब जो है फिलहाल अभी चुनाव न लड़के प्रचार में अपना समय बिताएंगे और सभी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और हाई कास्ट के सभी लोगों को दलितों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, प्रचार करेंगे। अरविंद जी दलितों के बारे में तो कभी बात ही नहीं हो रही है, आपके बयान भी सिर्फ बीजेपी पर वार आप कर रहे हैं। आपके क्या मैनिफेस्टो में, क्या घोषणा पत्र में है, क्या आपकी बातें हैं वो क्लियर नहीं हो रहा, आपका विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ आपके बयानबाजी हो रही है। नहीं अभी देखिए अभी वो समय नहीं आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने ये बोला है कि भाई हम बिजली और पानी हम यहाँ पर फ्री करेंगे 300 यूनिट। अच्छा फ्री की राजनीति करेंगे आप, घोषणा हो गई बस फ्री की राजनीति से जनता का वोट मिल जाएगा जी, ये किस बात की राजनीति आज बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक उद्योगपति के 20-20 लाख करोड़, अरे भारतीय जनता पार्टी पर चिल्लाते हैं आप, अपना अपना तो बताइए ना, आप क्या करने वाले हैं जनता के लिए? 2017 से कुछ सबक लिया, कुछ सीखा 2017 से? आज देखिए आज उत्तर प्रदेश और पूरे भारत देश में जहाँ बगल के प्रदेश में बिजली पानी फ्री है, हमारे यहाँ 21 दिन में 32 बार डीजल और पेट्रोल बढ़वा है, अगर जनता के लिए कुछ करा जाएगा इसमें दिक्कत क्या है भाई? कम से कम जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लोग हैं और जो गरीब माइनॉरिटी और के लोग हैं उनके लिए बिजली और पानी की सुविधा है, उसमें दिक्कत क्या है? आप तो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सरकार में कुछ नहीं किया, बहुत वादे किए थे, अब वादे तो आप भी बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, आपने भी बहुत सारे वादे किए थे 2017 से पहले, जब से भारतीय जनता पार्टी भुगतना पड़ा था आप लोगों को। स्कूलों में SC ST मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में SC ST के बच्चों की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, अल्पसंख्यक बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही थी वो सुविधाएं रोक दी गई है, और ओबीसी के बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही थी वो रोक दी है। आज समझ लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ दलित बच्चा कोई SC ST का बच्चा पॉलिटेक्निक कर सके जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई सुविधा, यहाँ तक महिलाओं के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं। अच्छा, है बहुत ऐसी तस्वीरें देखिए अरविंद जी, अरविंद ठीक है ठीक है ठीक है, आपने बहुत बखान किया, आपने ये किया आपने वो किया, आज भी ऐसी तस्वीरें बहुत सामने आती है कि दलितों के खिलाफ जो अत्याचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तब तो आप आवाज नहीं उठाते, बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ जहाँ पर राजनीति बहुत ज्यादा होती है तो सारे राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ सीध में एकदम चल देते हैं। कोरोना काल में जितने जितने लोगों की हादसे में मृत्यु हुई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने 2-2 लाख रुपए देने का काम किया है, अभी एक मिश्रा जी की मृत्यु हुई है जो गोरखपुर में पुलिस के साथ मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने वहाँ आपकी पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा सुभाष पासी जी बीजेपी ने तो छीन लिया, बीजेपी ने छीन लिया। मैडम ऐसा है, बहुत बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, बहुत सारे लोग एक परिवार है और भारतीय जनता, मैंने पहले भी पिछली डिबेट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद, इनके पास पैसा है, इनके आरएसएस के लोग नागपुर में बैठकर सिर्फ ये तय करते हैं कि किस पार्टी के किस नेता को कैसे तोड़ना है, कहां पर कैसे ले जाना है, इनके पास इन्होंने 4.5 साल में तोड़फोड़ विवादित बयानबाजी और तोड़फोड़ के अलावा कोई काम नहीं किया है। ठीक है ठीक है, सपा अखिलेश यादव जी रोज बयानबाजी कर रहे हैं, शायद आप नहीं देखते। ठीक है अरविंद जी, ठीक है ठीक है अरविंद जी, ठीक है। देवेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं, समय कम है मेरे पास तो सभी को मुझे समय देना है। देवेंद्र जी, कांग्रेस बहुत लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस और कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि महिलाओं को साथ लिया जाए तो फतह पक्की, तो बाकी ये जो मैनिफेस्टो है इसको थोड़ा सा राजस्थान में भी लागू करिए और भी जगह आपकी सरकार है वहां लागू करिए, तो शायद वहां की महिलाओं को भी, या यूपी की महिला अलग है, राजस्थान की महिला अलग है, पंजाब की महिला अलग है, ऐसा तो नहीं है, महिलाएं तो बराबर हैं, वहां पे भी इसको लागू करिए ना।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये हर जगह जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, कहीं भी किसी भी प्रदेश में आप ले लीजिए, महिलाओं पर कहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो कहा वो किया। बस कांग्रेस पार्टी से यही मेरी नाराजगी है कि जब उनसे कोई सवाल पूछो वो हमेशा दूसरा सवाल ले लेती हैं, दूसरे सवाल पे आंसर करना शुरू कर देती है। आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं है ठीक तरीके से। मैंने ये पूछा है आपसे कि आपका मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश को लेकर पूरी तरह से तैयार है, ये सेम मैनिफेस्टो राजस्थान पंजाब में क्यों लागू नहीं होता? वहां की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है या यूपी की महिलाएं ज्यादा अलग है? अरे हर जगह लागू होता है मैडम, हर जगह महिलाओं को सम्मान होता है। नहीं है, हर जगह महिलाएं सर्वोपरि कांग्रेस पार्टी के लिए, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने सर्वोपरि। राजस्थान में प्रियंका गांधी नहीं जाती। चलिए ठीक है देवेंद्र जी एक मिनट में आपके पास वापस लौटूंगी। भार्गव साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। भार्गव जी जी, काजोल जी बीच में आप मुझे रोकेंगे नहीं तो ज्यादा मेहरबानी। चलिए ठीक है नहीं रोकूंगी, लेकिन कुछ गलत बोलिएगा तो जरूर रोकूंगी। देखिए आप जो है आज क्या हो गया है, पहले मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल करती थी, आज मीडिया विपक्ष से सवाल करती है। देखिए विपक्ष पक्ष से भी सवाल होता है, विपक्ष से भी सवाल होता है। भार्गव साहब आप मेरी डिबेट में बहुत कम बैठते हैं, आप मेरी डिबेट में बहुत कम बैठते हैं। सुन लीजिए बस, यही प्रॉब्लम है आप सुनते ही नहीं है, मेरी बात सुन तो लीजिए। देखिए आपने कहा आपके नेताजी ने जीभ काटने का क्यों कहा, कृतिया का प्रतिक्रिया का क्रिया आएगा। उन्होंने कहा भट्टा, उन्होंने कहा जबान काटने का, ये बराबर हो गया। किस की जुबान काटिएगा? सुन तो लीजिए, हाथों में तलवार लेकर निकले हैं। बता रहा हूँ आप ये सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, अच्छे दिन का करके अच्छे दिन आगे का पेट्रोल डीजल कितना शामिल थे, आप तो वादे में शामिल थे, आपको फायदा नहीं मिला तो आप निकल गए। अपहरण फिरौती की जो है दुकानें उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो माफिया से माफिया लेके उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जिलों में व्याप्त है। आप सत्ता पक्ष से सवाल करने के बजाय अब रही बात की आपने कहा की ओम प्रकाश राजवर्धी इधर उधर छोड़ के कुतर है, ये सवाल यही दिक्कत है की आप सुनते नहीं है, जब बोलते हैं तो सुनते नहीं है। आपने ओबीसी को कुछ नहीं समझा, आपने बीजेपी से बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ अगर बात नहीं बनी तो आप सपा पर आ गए। अरविंद जी कैसे विश्वास करिएगा? ओबीसी के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए, आप कैसे हो जाएंगे? सत्ता पक्ष से नहीं है, समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है भार्गव साहब, ठीक है आराम से ठीक है। गौरव साहब आखिरी कमेंट आपसे, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा मेरे पास समय की कमी है। गौरव जी आखिरी कमेंट आपसे, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ओम प्रकाश जी के बाद ओम प्रकाश जी के बारे में भार्गव साहब ठीक है समझ गए, ठीक है चलिए ठीक है आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। आगे आप लोगों को हम यूं ही चर्चा पर बुलाते रहेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में चर्चा करना भी बनता है, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से यहां पर बहसबाजी चल रही थी, कोई भी सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जनता पूरी तरह से अब स्मार्ट हो चुकी है क्योंकि जिस तरह से विजन है कि स्मार्ट सिटी बनाना है, स्मार्ट भारत बनाना है, तो ऐसे ही अब जनता भी स्मार्ट है, उसे पता है कि अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनना है और कैसे नहीं चुनना है, अपना नेता किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। भले ही पार्टियां कितने भी वादे कितने भी दावे कर लिए, लेकिन जनता अब सक्रिय हो चुकी है, जनता जानती है कि उसके हित में क्या है और उसके अहित में क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।